नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से ना तो कोई आपका फ़ोन टच कर पाएगा और अगर कोई मान लीजिए आपका फ़ोन ले भी लेता है या मान लीजिए चोरी हो जाता है तो उसमें आपको बहुत ही मदद होने वाली है, यानी कि आप उस चोर की फोटो खींच के भी वो आपके पास तक भेज देगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैंने एक एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। जैसे आप इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद इसमें एक दो सेटिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको करना क्या है। तो देखिए, आपको ऊपर सेटिंग का निशान दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहला है यहाँ पर इंट्रूडर सेल्फी, यानी कि जब इसको आप ऑन कर देंगे तो इसका क्या काम होगा, जब आपका फ़ोन मान लीजिए कोई ले रहा है और उसका पैटर्न या पिन कोड जब भी वो रॉन्ग डालेगा तो उसकी जो फ़ोटो होगी वो फ़ोन के अंदर खिंच जाएगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर इसको एक्टिव कर दीजिएगा। तो आप इसको एक्टिव कर दीजिएगा, उसके बाद ये जो भी आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है इसमें, तो आप उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद जो भी आप के फ़ोन को चुराता है मान लीजिए, या कोई आपके फ़ोन को ले लेता है और उसके बाद आपके फ़ोन में कोई रॉन्ग पिन डालता है या कोई पैटर्न गलत डालता है, तो उसकी फ़ोटो जो है सेल्फी आपके फ़ोन में खिंच जाएगी। और देखिए, दूसरा ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ईमेल अलर्ट है, यानी कि यहाँ से आपको ईमेल भेज दिया जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं कि किस ईमेल एड्रेस पर आपको फ़ोटो चाहिए या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके फ़ोन को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है या आपके फ़ोन को कोई अनलॉक कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालकर इसको सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है इसका, ये ब्लैक पिक्चर फिक्स है, यानी कि अगर पिक्चर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर ब्लैक आ रही है तो आप इसको थोड़ा यूज़ करके इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये चौथा ऑप्शन हो रहा है, अगर जब आपकी जो भी आपके फ़ोन को यूज़ कर रहा है या कोई अनलॉक कर रहा है, जैसे ही उसकी फ़ोटो वो खींच लेगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे से फीचर्स हैं। और इसके अलावा दो एक फीचर वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अलार्म। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपके फ़ोन जो है घर में रखा हुआ है, यानी कि चार्जिंग में या कहीं और आपने रखा हुआ है, और कोई आपका फ़ोन ले रहा है, लेकर चुपके से कोई उसका रॉन्ग पिन डाल रहा है या उसके कोई पैटर्न को यूज़ कर रहा है या गलत पैटर्न डाल के आपके फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर वो एक अलार्म जनरेट होगा। जी हाँ, एक अलार्म जनरेट होगा और उस अलार्म से आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में कोई गड़बड़ कर रहा है। और अलार्म आप जो है उसकी रिंगटोन आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, मेरे फ़ोन में अलार्म बज रहा है। और यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके ये सेट कर सकते हैं कि आप कि कितने अटेम्प्ट के बाद ये अलार्म बजे, यानी कि एक बार अगर कोई रॉन्ग पैटर्न डाल रहा है उसके बाद अलार्म बज जाए, दो बार कोई डाल रहा है उसके बाद बज जाए, तो यहाँ पर आप उसी हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। और जैसे ही कोई रॉन्ग पैटर्न डालेगा तो उसके 5 सेकंड बाद अलार्म बजना शुरू होगा, ठीक है। उसके 5 सेकंड बाद अलार्म बजने लग जाएगा। तो ये एक दो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप पिन नंबर भी सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आपका कोई, जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो मान लीजिए आपका फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है और आपका फ़ोन कोई चार्जर से अनप्लग करता है, यानी कि चार्जर से हटा देता है, तो भी आपको अलार्म बजा कर यहाँ बता दिया जाएगा कि आपका फ़ोन जो है किसी ने चार्जिंग से हटा दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आपके फ़ोन पर कोई भी इल्लीगल गतिविधि करता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन को कोई छेड़ रहा है, आपके फ़ोन के कोई पिन को डाल रहा है गलत, या आपके फ़ोन को कोई अनलॉक कर रहा है, या आपका फ़ोन किसी ने चुरा लिया है मान लीजिए, तब उसको वो अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो उसकी सेल्फी भी खींच लेगा। तो कुल मिलाकर आपके फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छी ये एप्लीकेशन है, इसको एक बार आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जैसे आप यहाँ पर वो सेटिंग जो मैंने अभी आपको बताई वो आप जब कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट का बटन पे क्लिक करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अपने फ़ोन को जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं आराम से रख दीजिएगा और भूल जाइए। उसके बाद जब भी आपके फ़ोन में कोई, अगर मान लीजिए कोई लेगा और अनलॉक करने की कोशिश करेगा, देखिए मैं यहाँ पर आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैं अभी फ़ोन बंद करके और उसको अनलॉक दिखाना चाहूँगा तो ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बंद हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन को मुझे भी बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही अनलॉक के लिए पैटर्न आएगा, तो वो आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये बहुत ही, जो मैंने आपको अभी दो तीन चीज़ें सिखाई हैं बताई हैं, सिर्फ यही आपको करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और उसके बाद स्टार्ट करके अपना फ़ोन कहीं पे भी जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं आराम से रखिए और टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन कोई
अनलॉक करने की कोशिश करेगा या उसमें कोई भी गलत चीज़ करने की कोशिश करेगा, तो अगर आप चाहते हैं तो उसमें फ़ोटो भी खिंच जाएगी, आपको ईमेल भी मिल जाएगा और इसमें अलार्म भी बच जाएगा और आपको आराम से पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन की पूरी निगरानी रख सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन के लिए, बहुत ही ज़रूरी एक सूचना और एक इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आपका फ़ोन जो है वो सेफ़ रहे, आपकी पर्सनल लाइफ सेफ़ रहे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।